गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट बाय शरद। हाइपर रियलिस्टिक हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं और शेडिंग के टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेयर्स ड्रॉ करने के लिए बहुत ही पतले पतले स्ट्रोक्स यूज़ करने हैं, यानी आपको लेंथ ज़्यादा हो स्ट्रोक्स की या ना हो ये मैटर नहीं करता, बट आपको जो स्ट्रोक्स चलाने हैं वो बहुत ही हल्के हाथ से होने चाहिए, आप लोग जैसा कि वीडियो में देख सकते हो। और इनका डायरेक्शन वही होगा जो हमारे बालों का होगा, यानी जिस डायरेक्शन में बाल जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स भी चलाने हैं। और एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम जो शेडिंग देंगे वो सबसे ज़्यादा जो डार्क एरियाज़ होंगे हमारे हेड के, उन एरियाज़ में सबसे पहले हम शेड देंगे, यानी फर्स्ट टोन दे देंगे। और जो आज की शेडिंग होने वाली है ये 3 लेयर्स में होगी, फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन एंड थर्ड टोन। फर्स्ट टोन में हम 2B और 3B पेंसिल का यूज़ करेंगे, सेकेंड टोन में हम 6B या फिर 8B का यूज़ करेंगे, एंड लास्ट हमारा थर्ड टोन होगा जो कि फाइनल टोन होगा, उसमें हम 11B और 12B पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टोन कंप्लीट कर लिया है, जितने भी डार्क एरियाज थे उनको पॉइंट आउट कर लिया है अपनी 3B पेंसिल से, और अब इसको हम एक ब्रश की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, मेकअप वाला ब्रश भी हो सकता है, या जो सिंथेटिक ब्रशेज़ आते हैं कैमलिन के, ब्रुस्टो के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और इसको अच्छे से मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड टोन पर आएंगे। सेकेंड टोन देने के लिए हम 6B या फिर 8B पेंसिल का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अब हम जो शेडिंग करेंगे वो साइड बाय साइड करेंगे, यानी एक साइड से दूसरे साइड फिनिश करते हुए चलेंगे। सेकेंड टोन के साथ थर्ड टोन भी हम देंगे और ब्लैंक जो एरियाज हमने छोड़ रखा था वहाँ पर भी हम टोन ऐड करते चलेंगे। और आप लोग अब वीडियो देखिए और जैसे जैसे करते जा रहे हैं आपको भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। और लास्ट में हम इरेज़र से हाइलाइट्स बनाएंगे, उसके लिए आपको इरेज़र को कट कर लेना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे हाइलाइट्स बनाने होंगे। जब आपकी शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप कोई भी एक इरेज़र यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल नटराज या फिर कोई भी जो रबर इरेज़र आता है आप वो यूज़ कर सकते हो, या
जो क्ले इरेज़र आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक सा जो 5 रुपये का एक इरेज़र आता है कलरफुल वाला नटराज का, वो यूज़ करने वाला हूँ। और आपको इसी तरह कट कर लेना है। अगर आपके पास मोनोटोम इरेज़र हो, इलेक्ट्रिक इरेज़र हो, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र को ऐसे कट करके, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प लाइट पड़ रही हो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इरेज़ करके आप हाइलाइट्स दिखा सकते हो। और आपको एकदम वाइट स्पेस नहीं छोड़ना है। वाइट स्पेस सिर्फ वहाँ पे छूटेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प लाइट पड़ रही हो। बाकी जगह आपको क्या करना है कि ब्रश से हल्का हल्का मर्जिंग कर देनी है, जिससे वहाँ पे ग्रेश लुक आ जाएगा और वो देखने में बहुत ही रियलिस्टिक लगता है।